तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में कोई नई जर्नी की शुरुआत करने नहीं जा रहा हूँ, असल में एक मुंबई सीरीज़ बना रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को मुंबई के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। मुंबई में किस तरीके से चीप ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करोगे, यानी सस्ते में कैसे ट्रैवल करना है वो आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है। तो दोपहर के बज रहे 2 और अभी मैं जा रहा हूँ माइम रेलवे स्टेशन की तरफ। कहाँ पर जाने वाला वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उसके पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि मुझे माइम स्टेशन से जाना है चर्चगेट की तरफ, ठीक है। लोकल ट्रेन पकड़ के जाऊँगा मैं। मुंबई में सबसे चीप ट्रांसपोर्ट जो है वो लोकल ट्रेन है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है, हर 2-2 मिनट में ट्रेन से, और इसे मुंबई की लाइफलाइन भी कहा जाता है, और वाकई में लाइफलाइन है। और काफ़ी चीप टिकट्स है। इसके 2 क्लासेस होते हैं, जो नॉन एसी लोकल है, ठीक है। अभी तो एसी लोकल भी आ गई है। एक फर्स्ट क्लास होती है और एक सेकंड क्लास होती है। तो ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ माइम रेलवे स्टेशन की तरफ, वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ना है, फिर मुझे जाना है चर्च गेट, और अभी मैं जा रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो जो लोग मुंबई में रहते हैं ना, ऑलमोस्ट उन लोगों को पूरा पता होगा कि टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं यहाँ पे, और कभी कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है ताकि आपका जो ट्रैवल वो सस्ते में हो जाए, ठीक है। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं मुंबई घूमने के लिए, उन लोगों को तो पता नहीं होता। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है उन लोगों के लिए। सिर्फ ये वीडियो नहीं, ये पूरी सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है। तो ठीक है, मैं अभी पहुंच चुका हूँ माइम रेलवे स्टेशन पर। अभी मेरे सामने रेलवे स्टेशन है।
तो भाई पहुंच चुका हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। ये मेरे पीछे ये स्ट्रक्चर है और ये साइड ये ताज होटल है। ताज होटल अभी दिखा तो आप लोगों को पूरा। ये मेरे पीछे जो है यहाँ से बोट मिलती है, फेरी, यानी पब्लिक फेरी भी है। और वहाँ पे जो आप थोड़ी देर पहले वीडियो में देखें वो कुछ शायद से प्राइवेट फेरी, आप ग्रुप में जा सकते हो, मैं तो पूछा नहीं हूँ। तो काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन है सामने, देखता हूँ कब कैसा टाइम है। तो ये कुछ इस तरह की टिकट है, ये 80 रुपये एक जन का लेते।
कुछ आधे घंटे की बोट राइड होगी है, फिर जाके राउंड लेके वापस मुझे गेटवे ऑफ इंडिया पे छोड़ दिया। काफ़ी रिलैक्सिंग राइड था और एक नंबर मज़ा आया था इसमें। यार ये मंडे होने के बावजूद भी काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर, जैसे पीछे आप देख रहे हो। और यहाँ पे हाँ, और एक बात बताना मैं भूल गया, यहाँ पे आपको फोटोग्राफर लोग भी मिल जाएंगे, तो आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। जैसा ये ताज होटल है ना, यहाँ पे वो ऐसा अभी तो नहीं हो रहा है, वो टॉप में ऐसा, जैसा वो ताजमहल में कैसा होता है, वो दूर जाके वो टॉप में ऐसा हाथ रख के फोटो निकालते ना, वैसे भी यहाँ पे भी हो जाता है। तो ज़रा यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया के सामने थोड़ा बैठा हो सनसेट के लिए। तो इन बिटवीन कुछ एक बात बताना ज़रूरी समझूंगा, अगर आप मुंबई में बाहर से आ रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो मैं एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, उसका नाम है एम इंडिकेटर, आपको प्ले स्टोर से आराम से मिल जाएगी। इसमें आप लोकल ट्रेन की टाइमिंग्स, यहाँ तक कि आपको मेट्रो और फेरी की भी टाइमिंग्स मिल जाएगी। तो ये एप्लीकेशन लगभग हर कोई जो कोई भी मुंबई में रहता है, हर कोई यूज़ करता है। मैं खुद पर्सनली इस ऐप को यूज़ करता हूँ, तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, इस ऐप को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक आपको टैक्सी और ऑटो के भी फेज ये ऐप बता देती है। ये काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है। तो यार बस इतना ही, इस वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।